जल्दी चलो आपको पता है ना पिक्चर शुरू होने वाली है हाँ हाँ डैड आप बहुत धीरे भागते हो अरे तुम नीचे उतरो तो मैं तेज भाग सकता हूँ ना वैसे क्या हम लोग अगला शो नहीं देख सकते हैं शिनचैन बेटा नहीं शो से पहले मेन आर्टिस्ट स्टेज पर आएंगे हमें उन्हें देखना है नहीं डैड मैं यही शो देखना चाहता हूँ यही शो देखना चाहता हूँ टिकट तो मिल गई मित्सी लेकिन इस पिक्चर के जरिए लीड एक्टर से हाथ मिलाने का चांस है पर उसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी क्या कहा लॉटरी शिनचैन तुम जीतना चाहोगे तुम हीरोइन को देखे बगैर नहीं रह सकते क्यों है ना मैं तो भूल ही गया था मम तुम्हारे डैड इंतजार करते करते थक चुके हैं मम्मी मुझे टॉयज दिलाओ ना दिलाओ ना प्लीज मम्मी हमारा शिनचैन भी पहले ऐसे ही रोता था पर अब तो वो काफी बड़ा हो गया है वो बड़ा तो हो गया है हैरी लेकिन ऐसा लगता है ये कल की ही बात है जब वो पैदा हुआ था अरे यहाँ पर तो बहुत भीड़ है अरे वहाँ तीन सीट्स खाली है हैरी हाँ। आपस में मत लड़ो मैं यहाँ पहले ही बैठ गई हूँ ठीक है हाँ इससे पहले कि शो शुरू हो मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ ओके मैं भी आता हूँ इसे यहाँ रख देती हूँ मेरी सीट पर कोई नहीं बैठेगा शिनचैन कितना खाओगे तुम अब बस भी करो मैं इतना खाऊंगा तो आलू की तरह मोटा हो जाऊंगा ना हाँ वैसे मुझे भी आलू बहुत पसंद है तुम आलू का नाम लेकर मुझे चिढ़ा रहे थे ना ये शो भी बहुत देर से शुरू हो रहा है मैं उड़ूंगा मैं सभी सीमाओं को तोड़कर उड़ूंगा दिखा दिखा कर बोर कर रहे हैं अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी नहीं रुको ये देखो और इस तरह रिमाटा और शिरोटो हमेशा के लिए एक होकर जिंदगी भर वाकई दिल को छू गया हमारी नई डिश ट्राई कीजिए द रोस्टेड चिकन थिएटर में मौजूद तमाम लोग आप लोगों को इंतजार करना पड़ा इस सब के लिए मैं आप लोगों से बेहद शर्मिंदा हूँ अब पेश है मिस कीजा कोरो और वो इंसान जिसे कीजा कोरो से हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है और विनिंग नंबर है 912 वो तो मैं फिर से वही लड़का फिर से सामने आ गया हम दूसरी बार मिल रहे हैं क्या आप मिस कीजा कोरो से पहले भी मिल चुके हैं सर हाँ हाँ Star Kamen, the ideal of justice. जाए बताओ एक आइडिया है मेरे पास तो बताओ अपना आइडिया मुझे सबके सामने बोलने में शर्म आती है इसलिए मैं सिर्फ खजामा को बताऊंगा अपना कान इधर लाओ बोलो क्या आइडिया है शिनचैन हम सबको अपना आइडिया तो बताओ हमें बनानी चाहिए कासुकाबे की डिफेंस फोर्स अच्छा आइडिया है ना कासुकाबे की डिफेंस फोर्स आइडिया तो काफी अच्छा है चलो ये डिफेंस फोर्स बनाते हैं चलो अच्छा सबसे पहले हमें डिफेंस चीफ को चुनना है ये काम शायद मैं ही अच्छी तरह कर सकता हूँ ठीक है मैं बनूंगा कैप्टन सुपर वॉल्टर मैं कैप्टन प्रिटी बनूंगी मैं बनूंगा स्पेशल कैप्टन मैं बनूंगा कैप्टन हैमबर्गर सबसे पहले अपने खुफिया डिफेंस बेस के लिए जगह चुनते हैं तुम्हारे दिमाग में कोई जगह है क्या एक बढ़िया जगह है बस पीछे मुड़ कर देखो अपनी मर्जी चलाना बंद करो कसामा ये जगह कैसी है ये जगह हेलो वीकी अ वेरी गुड डे मैम अरे तुम लोग और यहाँ पर क्या बात है कैसे आना हुआ हम लोगों ने आज कुछ नया सोचा है हमारी एक रिक्वेस्ट है ये तो कासुकाबे डिफेंस फोर्स लिखा है देखो बच्चों मेरे घर में प्लीज सीक्रेट बेस मत बनाओ ओके चलो अब तुम सब यहाँ से जाओ
ओह ये आंखें चमत्कारी हैं, वो भी इतनी सारी। ठीक है, इस जगह का इस्तेमाल कर लो। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया योशिनागा मैम। सच में मैम आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है, हमारी फेवरेट मैडम। तुमने मुझे फेवरेट मैडम कहा? चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट रुको, मुझे कुछ चीजें ठीक करनी है। ये कोई मजाक नहीं है, इन बच्चों को मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए। ओके, इंतजार करवाने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं मैम। ये घर तुम लोगों के लिए शायद काफी छोटा है। आज से ये घर हुआ हमारा सीक्रेट बेस। इस जगह को डिफेंस बेस कैसे बनाएंगे हम में से किसी को तो पता ही नहीं। न जाने मेरे घर का अब क्या हाल होगा। आपको परेशान करने के लिए हम माफी चाहते हैं। हम लोगों को डिफेंस फोर्स के तौर पर क्या करना चाहिए? आज से हम दुनिया भर में क्रांति लाने का काम करते हैं। मतलब दुनिया भर में शांति। हम लोगों को मिलकर एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कामयाब हो और जिससे किसी को नुकसान भी ना हो। लेकिन वो प्लान क्या है? सोचना पड़ेगा। योशिनागा मैम और मात्सुज़ाका मैम की शादी नहीं हो रही, ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नैनी ने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे और मात्सुज़ाका मैम को ही देख लो, हम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। न जाने हमारा राजकुमार भला कब आएगा। लेकिन हम ऐसी समस्याओं को नहीं उठा सकते हैं। हम लोगों को किसी सीरियस इशू को चुनना चाहिए। क्या कहा? ये तुम्हें सीरियस नहीं लगता? लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि हमें सीरियस इशू पर ध्यान देना चाहिए। है कज़ामा, ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही। झूठी तारीफ मत करो। हम गुंडागर्दी हटाएंगे। वेरी गुड, इस समस्या से सबको तकलीफ है। हम गुंडागर्दी दूर करेंगे। लेकिन कैसे? गुंडे तो बहुत डरावने लोग होते हैं ना। गुंडे लोग डरावने होते हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। हमारी फोर्स हिम्मत से काम लेगी और उन्हें भगा देगी। हम सभी शपथ लेते हैं कि कासुकाबे डिफेंस फोर्स का हिस्सा होकर इस दुनिया में चैन और अमन कायम करेंगे। हाँ कज़ामा, तुम्हारे साथ मैं भी ये शपथ लूँगा। तो अब ये तय हुआ कि हम बदमाशों से बच्चों की रक्षा करेंगे। क्यों दोस्तों? वेरी गुड, हमारी फोर्स अब बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। हाँ तो क्या तुम सब जा रहे हो? चलो अब हम लोग पूरे शहर की निगरानी करते हैं। मैं तैयार हूँ। और मैं भी। ना जाने ये बच्चे अब क्या करेंगे। तकलीफ के लिए सॉरी, हम दोबारा आएंगे मैम। बाय बाय बच्चों। सुजुकी, क्या तुम नहीं जा रहे? नहीं, मुझे तो बेस पर रहना है ना योशिनागा मैम। अब हम दो टीम्स में बटेंगे, अगर कुछ होता है तो बेस से कांटेक्ट करना। ओके। ये आपके लिए। हाँ हाँ। अब हम क्या करेंगे कज़ामा? हम लोग इंतजार करेंगे नैनी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही, तब हम एक्शन लेंगे। कुछ नहीं मिला। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया था, अभी तो मुझे ट्यूशन जाना है। अरे हाँ याद आया, मुझे भी अपनी वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना है। कुछ नहीं मिला ना। हे शिनचैन, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ यार, बहुत देर हो गए हैं। चलो फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, हाँ, चलो खेलते हैं। सुनो सुजुकी, अब तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। हाँ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा मैम। तो ठीक है, ध्यान से जाना। बाय बाय। बाय। ओह, मैं तो थक गई। इन बच्चों के खेल से तो मैं बोर हो गई हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ कि नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद कुछ बढ़िया खाऊंगी। हाँ ये आइडिया सबसे अच्छा है, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। कल हम लोग इधर उधर हो गए थे, ऐसा करते हैं आज मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ग्रुप में काम करेंगे। चलो हम दुनिया में अमन और शांति के लिए काम करें। लेकिन कैसे? जो जानकारी हमने कल इकट्ठी की थी उसके मुताबिक डराने धमकाने की कोई घटना हमें नहीं मिली। लेकिन ये सही पिक्चर नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें लोग रिपोर्ट करने से डरते हैं, समझे दोस्तों? आज होगी एक शानदार। आखिरकार वो दिन आ ही गया, आज कावागुची के साथ मेरी डेट है। इस दिन के लिए मैं ब्यूटी पार्लर गई, आज सुबह देर तक नहाई,
खूब तैयारी की लेकिन फिर भी टेंशन हो रही है। न जाने क्यों मेरा दिल धक धक कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे परेशान नहीं होना है। मैं अपने खूबसूरत चेहरे से उसे इम्प्रेस कर दूंगी। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी और ये डेट मेरी बिल्कुल परफेक्ट डेट होगी। अरे मिस्टर कावागुची। ओह ये बात है, लगता है आज ये दोनों डेट पर जा रहे हैं। अरे मॉम आप क्या देख रही हैं? मात्सुज़ाका मैम किसी हेयर मर्द के साथ डेट पर जा रही हैं। ऐसे मत बोलो, वो मिस्टर कावागुची है, तुम्हारे डैड के साथ काम करते हैं, तुम्हें याद नहीं? चलो शिनचैन, हम छुप छुप कर उन दोनों का पीछा करते हैं, क्यों ठीक है ना? शोर मत मचाओ, वो यही कहीं आसपास है। अच्छा तो ये बात है। तो यहाँ बैठेंगे। मेरी 24 साल की जिंदगी में ये मेरी पहली डेट होगी। ये दिन बहुत ही स्पेशल है। थैंक यू गॉड। शिनचैन जरा भी शोर मत मचाना। वही आवाज। क्या आपको कुछ हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं, बस एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी थी इसलिए घबरा गई। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता है। मैंने कहा था शोर मत मचाना। प्लानिटेरियम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्प्रिंग मौसम के आसमान से। इस मौसम में हम कई तारों को देख सकते हैं। इनमें से जो सबसे साफ हैं, वो हैं किंग एंड क्वीन ऑफ स्टार्स, द ऑल्टेयर एंड द वेगा। ये देखिए ज़ोडियक साइन के साथ ओह मात्सुज़ाका। हाँ तुम यहाँ? हेलो फॉक्स, मैंने तुमसे पहले भी कहा था यहाँ मत आना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। मिसेस नोहारा आप लोग यहाँ कैसे? मिस्टर कावागुची और मात्सुज़ाका मैम आप लोग भी यहाँ पर आए हैं। ये कितना सुंदर इत्तेफाक है कि हम यहाँ पर मिले। हाँ बिल्कुल, वैसे ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मेरी मॉम ने आप दोनों का यहाँ तक पीछा किया है ना? नहीं मैंने किसी का कोई पीछा नहीं किया। अब वो क्या है कि मुझे आप लोगों की थोड़ी फिक्र हो रही थी। आप मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और मात्सुज़ाका मैम मेरे बेटे की टीचर हैं। सुनिए मैं बस ये देखना चाहती थी आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। हाँ मैंने आपका पीछा किया लेकिन सिर्फ आपकी भलाई के लिए। अरे मिस्टर कावागुची आपको क्या हुआ, ये तो बताइए आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? मिसेस नोहारा आप प्लीज मिस मात्सुज़ाका को ये बता दीजिए कि मुझसे अब किसी तरह की उम्मीद न रखें। लेकिन हुआ क्या बताइए तो? अब इन्हें क्या हो गया? मिसेस नोहारा कावागुची नजर नहीं आ रहे, आपको पता है वो कहाँ चले गए? अरे वो हुआ ये कि क्या ये सच है? जी हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं शिनचैन को अपने साथ ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ इसे जरूर ले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मात्सुज़ाका मैम। मुझे एक बात बताइए मात्सुज़ाका मैम, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? ओके ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और सच्चे प्यार की मेरी तलाश हमेशा यूं ही जारी रहेगी। प्रॉमिस। हाँ।